Hey guys, my name is Tanmay. Welcome back to my channel. आप सबको मेरा न्यू ब्लॉग में स्वागत है. तो आज के वीडियो में दो फूड रिव्यू बनाया हूँ, तो आप देखते रहो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ. Hey guys, अभी जस्ट मैं यहाँ से जा रहा था तो एक स्टॉल दिखा जो कि हाउस ऑफ मोमोस, मोमोस का स्टॉल है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बहुत बढ़िया बात है कि ऑनलाइन पेमेंट होता है. तो मैंने एक वेज मोमोस ऑर्डर किया है. अभी आप देख सकते हो वेज मोमोस, यहाँ वेज मोमोस भी मिलता है, नॉन वेज भी मिलता है, पनीर मोमोस भी मिलता है. तो मैंने वेज मोमोस ऑर्डर किया है. इसका प्राइस है 30 रुपीज़ 5 पीस. इसके साथ 3 चटनी है. ये झाल वाला था, ये बादाम का चटनी है और ये ग्रीन चटनी है. अगर आपको लोकेशन जानना है, ये आप देख सको, ये स्टॉल है हाउस ऑफ मोमोस. ये सिविल टाउनशिप का रास्ता में है और ये सिविल टाउनशिप का ब्रिज है. जस्ट उसके बगल में ही हाउस ऑफ मोमोस है. तो चलिए अभी टेस्ट करते हैं. आप देख सक रहे हो मोमोस, इसका अंदर का स्टफिंग. चलिए टेस्ट करते हैं बादाम का चटनी के साथ. मुझे मोमोस का स्टफिंग बहुत अच्छा लगा, स्टफिंग बहुत अच्छा है, आप देख सक रहे हो. मोमोस बहुत अच्छा है, मुझे लगा इतना ही खास नहीं होगा, बट बहुत अच्छा है मोमोस है. आप एक बार ट्राई करना कभी भी सिविल टाउनशिप तरफ जाओगे तो. यह है सिविल टाउनशिप का रास्ता. इनका मेन्यू है हाफ प्लेट 30, फुल प्लेट 50, वेज नॉन वेज पनीर मोमोस. मैं दोबारा फिर से ऑर्डर किया वेज मोमोस हाफ. मुझे टेस्ट बहुत बढ़िया लगा. मुझे लगा कि मोमोस के साथ सिर्फ मेयोनीज ही अच्छा लगता है, बट इनका चटनी बहुत अच्छा है, स्पेशली बादाम का चटनी. कभी आना ट्राई करना प्लीज़, बहुत टेस्टी है. अभी आपने मोमोज का वीडियो देखा, अभी मैं आपको और एक फूड का स्ट्रीट फूड दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिए. जस्ट मैं कांसवाल क्रॉस कर रहा था कि मुझे एक दुकान दिखा और मैंने ये दुकान का बहुत नाम सुना है, तो आज टेस्ट कर लेते. ये काकरा पीठा है और दाल बड़ा है. अभी गरम गरम काकरा पीठा निकल रहा है, तो मैंने काकरा पीठा और दाल बड़ा ऑर्डर किया है. तो आप देख सक रहे हो कि इसके साथ कुछ भी चटनी नहीं है, प्याज है, थोड़ा सा मिर्ची, नमक, कुछ घर के लिए भी ले लिया है. तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ बिकॉज मैं किसी को कैमरा के आगे इतना कंफर्टेबली नहीं ला पा रहा हूँ, बट मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा, सीखूँगा, जानूँगा. और आप ये लोकेशन देख सकते हो, ये राजगंगपुर जाने का रास्ता है, हाईवे है, वो कांसवाल का चौक है आगे. तो जस्ट आगे आके थोड़ा सा तो फिर आपको ये स्टॉल दिखेगा ये. तो चलिए टेस्ट करते हैं. तो आप देख सक रहे हो मैंने काकरा पीठा और दाल बड़ा लिया है.
उसके साथ मिर्ची है, प्याज है, थोड़ा सा ऊपर नमक डाल दिया है। काकरा पीठा बहुत गर्म है बट ऊपर से बाहर से बहुत क्रंची है। ये दाल वड़ा थोड़ा सा ठंडा हो गया बट सॉफ्ट बहुत है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। फ्रैंकली बोलना चाहता हूँ दाल वड़ा अच्छा है बट मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। तो चलिए अभी काकरा पीठा ट्राई करते हैं। काकरा पीठा बहुत गर्म है। काकरा पिट्टा आप देख सकते हो सूजी से बना हुआ फ्राई किया हुआ है। अंदर इसके अंदर नारियल और गुड़ से स्टफिंग है। बाहर बहुत क्रंची है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। मुझे काकरा पिट्टा बहुत ही अच्छा लगा। उसका बाहर से क्रंचीनेस और अंदर का थोड़ा सा मीठा बहुत ही अच्छा है। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं।